डियर स्टूडेंट 69 बीपीएससी अभी 2023 में समाप्त हुआ, एक सप्ताह पहले एक मिक्स बन गया। ऐसे पढ़ना होगा, वैसे पढ़ना होगा, ये बुक देखना होगा, ये नहीं चलेगा। आज हम आपको ऐसी बुक्स बताएंगे जो वैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं, या ये कहें कि ये बुक्स ऐसी है जिसे आप पढ़ लेंगे, इसे कंप्लीट करते हैं, इसे फॉलो करते हैं, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। और आज तो हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बुक्स जितने भी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन देश भर के आप दे रहे हैं या दे रही हैं, इससे रिजल्ट निकलेगा। तो आज बात करेंगे वैसे ही बुक्स की जिससे रिजल्ट आता है। आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, आप पार्ट वन में हैं, पार्ट टू में हैं, या नेक्स्ट ईयर 2024 में आपको एग्जामिनेशन देना है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन। आज बात करेंगे कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए जिससे रिजल्ट निश्चित होगा। सबसे पहले किताबों की बात कर लेते हैं, चूंकि इस बार जो 69 बीपीएससी हुआ उसने एक मिथ क्रिएट कर दिया, तो आज हम आपको वैसी बुक्स बता रहे हैं जिससे सारी दुविधा किताबों को लेकर आपकी दूर हो जाएगी, और आप नेक्स्ट ईयर 2024-2025 कभी भी एक दो सालों में एग्जामिनेशन कोई भी देना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ये बुक्स आपके लिए मारक होगा, पेनिट्रेटिंग होगा, कोई भी एग्जामिनेशन हो सारा एग्जामिनेशन निकलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में करंट अफेयर्स बहुत निर्णायक है। इस बार भी हुआ, अभी एग्जामिनेशन समाप्त हुआ है, वही करंट अफेयर्स यही रोल आता है। करंट अफेयर्स के लिए आपको हम बिल्कुल रिमाइंडर देना चाहेंगे, अलार्म लगा देंगे, अलार्म लगाएंगे कि एक अखबार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, किसी भी अखबार को जो भी आपको सही लगता है या आपके घर में आता है, अंग्रेजी हिंदी जो भी आता है पहले से तब तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं आता तो कोई भी एक अखबार पढ़ना शुरू कीजिए। इससे आपका करंट अफेयर्स स्ट्रेंथन होगा, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न अखबारों में आते हैं जो मैगजीन्स में नहीं दिखते, जो एग्जामिनेशन के समय हम लोग वार्षिकांक ईयरली हाफ ईयरली पढ़ते हैं उसमें अखबारों के क्वेश्चंस नहीं आते। तो आपको एक अखबार अभी से इसे माइंड में नोट कर लीजिए कि एक अखबार अब हम एक दो दिनों के अंदर स्टार्ट करेंगे। हमारे हिसाब से अगर कहें, हम दैनिक भास्कर लेते हैं और दैनिक हिंदुस्तान लेते हैं, हिंदी के अखबार पढ़ते हैं, तो दैनिक भास्कर हिंदी में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में आप चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ले लें या जो भी आपके यहां आता है, या अंग्रेजी का अखबार साथ में आप रखें। हम बताते चलेंगे कि अखबार कैसे पढ़ा जाता है या कौन कौन सा सेगमेंट इसका इंपॉर्टेंट होता है, बीच में हम आपको गाइड करते चलेंगे। दूसरी बात, बिहार स्पेशल, एक अपने स्टेट का, चाहे यूपी में है, बिहार में, झारखंड में, कहीं भी है, एक अपने स्टेट का, स्टेट लेवल का एक बुक, एक मैगजीन आपके पास होना चाहिए। अब ये बिहार स्पेशल में कई सारे बुक्स हैं, अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार स्पेशल में कई सारे बुक्स हैं जो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए, हम मनीष रंजन का भी चलाते थे, हम क्राउन का भी चलाते थे, आजकल एक और बुक आ गई है बिहार स्पेशल में, अच्छी बुक आई है, मैग्रॉहिल पब्लिकेशन की है, डॉक्टर संजय सिंह की आई है। हम लास्ट में बुक्स का पिक्चर डाल देंगे, जाकर देख सकते हैं बिहार स्पेशल में एक अच्छी बुक। एक तो ये हो गया, और दूसरा उसके बाद आइए क्रमवार, समान अध्ययन में जो आप पढ़ेंगे तो कौन कौन से बुक्स होने चाहिए। हिस्ट्री जो बहुत डिसाइसिव और निर्णायक है, जिसे 30+ क्वेश्चन आते हैं, 30 से अधिक, 150 क्वेश्चन जो होंगे प्रीलिम्स में। अच्छा, हम फिर से बता दें, हम आपको मेंस के लिए भी, जब अभी से स्टार्ट आप ले रहे हैं या ले रही हैं, तो मेंस के लिए भी आपको गाइड करेंगे, माइंड मेकअप रखिए, चूंकि अभी पीटी में ही काफी कुछ हो जाएगा, तो कम से कम स्टार्ट लीजिए, है ना। मेंस के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे, जस्ट अपनी जगह पर रखकर अच्छे से समझ कर आसानी से उसकी तैयारी आप कर सकेंगे, डोंट वरी। अभी हम प्रीलिम्स की बता रहे हैं। हिस्ट्री में जैसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, या क्राउन है, या लूसेंट है, ये सब स्टूडेंट्स पढ़ते रहे, इनका अपना वैल्यू है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, काम तो ये करता है, लेकिन अब जब समय आपके पास है तब हम आपको वैसी ही बुक्स बता रहे हैं जो एग्जामिनेशन में आपको पछाड़ेगा नहीं, मार्क्स दिलाएगा। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया बहुत निर्णायक है, अगर 30 क्वेश्चन आएंगे तो 20 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से होगा, और इसके लिए अच्छी बुक, बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसका पहले भी एडिशन आता रहा है, ये सब 3-4 उसके पिक्चर्स है, कोई भी हो, अगर पुराना भी हो तो चलेगा, घबराइएगा नहीं, इसमें ब्लैक कलर का आता है, व्हाइट कलर का आता है, महात्मा गांधी वाला आता है, एक अभी देखिए येलो कलर का आया है, अभी एक और रिसेंट आ गया, ये वाला देखिए सबसे रिसेंट है, तो इसके कई सारे आपको एडिशन दिखाई देंगे, कोई भी आपके पास है पहले से भी है तो ये चलेगा। तो एक आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है, स्पेक्ट्रम की, राजीव अहिर इसके लेखक हैं, ये बुक आपको रखना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे बिपिन चंद्रा भी आधुनिक भारतीय इतिहास की एक शानदार बुक है,
अगर पहले से आपके पास है तो बिपिन चंद्रा पढ़िए, लेकिन इन दोनों में हम प्रायोरिटी देते हैं स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा एक्सटेंडेड है, टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से समझाया गया, एलेबोरेटेड है, और इसका लास्ट में पेज में हर टॉपिक के बाद एक सारांश का पेज रहता है, समरी रहता है, उसी से बहुत सारे प्रश्न लड़ जाते हैं, आ जाते हैं। फिर मेडिवल यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सतीश चंद्रा की आइडियल अच्छी बुक आती है, शानदार बुक आती है, पिक्चर हम दिखा रहे हैं। रिवल हिस्ट्री में अगर जानना समझना कुछ चाहते हैं, डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, तो सतीश चंद्रा बेस्ट बुक है। एंशियंट में आइए, एंशियंट में प्राचीन भारतीय इतिहास में रामचरण शर्मा की ये वाली बुक, आर एस शर्मा की, बहुत बेस्ट आइडियल बुक है। आर एस शर्मा की प्राचीन भारतीय इतिहास की ये बुक आपको पढ़ना चाहिए। इतिहास समाप्त हो गया, अब आइए भूगोल की बात करते हैं, ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में शानदार बुक हम आपको बता रहे हैं महेश कुमार बर्नवाल की। महेश कुमार बर्नवाल की जो ज्योग्राफी की बुक आती है, दो बुक्स आती है, एक में वर्ल्ड हिस्ट्री होता है और एक में केवल भारतीय भूगोल होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, केवल भारतीय भूगोल की अलग बुक है, एक में भारतीय भूगोल के साथ साथ विश्व भूगोल भी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो दोनों मिलाकर अगर पढ़ना है तो ये वाली बुक है, इसे पढ़िए, ज्योग्राफी में आपका काम चल जाएगा। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आइडियल बुक, आदर्श किताब, इसके जगह कोई बुक नहीं ठहरता, और यह है एम लक्ष्मीकांत। और इस बार हम आपसे कहेंगे कि एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह का एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है, टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, डेप्थ वाले आ रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में आपको पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, तभी इंडियन पॉलिटी से आपके अधिकतर प्रश्न 95% प्लस क्वेश्चन आपके बन जाएंगे इंडियन पॉलिटी के अगर होंगे तो। उसके बाद इकोनॉमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं, हम आपको फिर से यहां पर एक अच्छी बुक बता रहे हैं। हालांकि यूपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स रमेश सिंह की बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, रमेश सिंह की बुक इकोनॉमी के लिए आइडियल बुक है, आदर्श है, लेकिन थोड़ी मोटी है, थोड़ा डेप्थ में चैप्टर्स को समझाया गया है, कई बार टफ लगने लगता है, तो उसका अल्टरनेट है। अगर आप स्टेट पीसीएस या रीजनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तब हम आपको इकोनॉमी की एक शानदार बुक बता रहे हैं, और ये है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है, स्पेशल इशू इंग्लिश में भी आता है, स्पेशल इशू हिंदी में अतिरिक्तांक कहलाता है। ये वाला पिक्चर आप देख लीजिए, अभी जो मार्केट में आपको मिलेगा ये वाला मिलेगा। अर्थव्यवस्था में एकदम अपडेटेड रहना है, एक साल पुराना नहीं पढ़ना है, अगर एक साल पुरानी बुक है तो उसे रहने दीजिए, ये वाला अभी लेटेस्ट है मार्केट में, 3-4 महीनों के बाद फिर से एक नया आ जाएगा, लेकिन अभी 3-4 महीनों तक ये वाली बुक आपको मिलेगी। तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक इकोनॉमी के लिए शानदार, एग्जाम फ्रेंडली, आसानी से समझ में आने वाला और बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक अर्थव्यवस्था। अब आइए बारी आती है साइंस की, विज्ञान की। विज्ञान की अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें, अलग से बताइए, बहुत अच्छी बुक्स बताइए, तो किताबें तो बहुत सारी है, इसे बहुत सारे लोग लुसेंट का साइंस का जो स्पेशल आता है वो लोग सजेस्ट करते हैं, हम भी कहते हैं अच्छी बुक है, लेकिन हमने आपको एनसीईआरटी का नोट्स चलाया है, एनसीईआरटी का नोट्स, और पहले चलाया है, बहुत सारे छात्रों ने लिया है तो काम उनका चल जाएगा, नहीं लिया है तो अभी भी आप ले सकते हैं विज्ञान एनसीईआरटी नोट्स का। ये देखिए जो एनसीईआरटी है उसी का समरी है, अरिहंत पब्लिकेशन ने निकाला है, तो ये वाला आप ले सकते हैं, इससे भी काफी अच्छा काम चलेगा, तो साइंस में हम प्रेफर करेंगे एनसीईआरटी नोट्स ले लीजिए, बाकी कुछ अल्टरनेट सप्लीमेंट्री आगे हम बताएंगे, घबराइए मत, साइंस में एनसीईआरटी नोट्स ले लीजिए, बहुत हद तक काम चलेगा, पढ़ने को तो बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ लिया जा सकता है, लेकिन हम आपको चूंकि आपके साथ जुड़े रहते हैं तो वैसे बुक्स लेकर चलेंगे जो आपके काम का भी है, गाइड भी करते चलेंगे कि कैसे पढ़ना है, आपको दिक्कत नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी नोट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की, अखबार तो हमने बताया कि अखबार पढ़ना होगा, लेकिन उससे केवल काम नहीं चलेगा, एक मैगजीन आपको रेगुलर लेना होगा और साथ ही एक वार्षिकांक ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी लेना होगा, दो बुक्स दो मैगजीन लेना होगा, एक ईयरली वार्षिकी आपको लेना होगा जिसमें साल भर का रहता है, हो सकता है एक महीने के बाद कोई एग्जाम आप दें, इंटर लेवल पर ही दें, ग्रेजुएट लेवल पर दें, 1-2-3 महीने के बाद दें, तो एक वार्षिकी आपको देखा हुआ होना चाहिए, उसे आप लगातार अपने पास रहें, देखते रहें, एक ईयरली मैगजीन करंट अफेयर्स की हम स्पीडी बोलते हैं, रेगुलर ठीक ठाक है, एडिटोरिया का भी अच्छा आता है, तो स्पीडी अगर एक लेना है तो ब्लू कलर वाली स्पीडी आप ले सकते हैं, अभी जो मार्केट में आया है अक्टूबर मंथ का आ गया है, तो ये वाला स्पीडी आप ले सकते हैं, ये ईयरली है, लेकिन एक मंथली इसके साथ आपको लेना होगा, और ये मंथली आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, तो एक मंथली मैगजीन पहले से कोई आप ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और वो सही आपको लग रहा तो उसी से आप चलिए, लेकिन आप स्टार्ट एकदम नया नया ले रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अगर चाहें तो दृष्टि का ले सकते हैं, विजन का ले सकते हैं, दृष्टि या विजन का या क्रॉनिकल का, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश का करंट अफेयर्स मंथली लेना है
तो या तो आप दृष्टि का मंथली मैगजीन ले लीजिए, या फिर विजन का आप पढ़िए, विजन का भी बहुत अच्छा आता है, या क्रॉनिकल भी आप ले सकते हैं या ले सकते हैं। हिंदी में हम केवल प्रतियोगिता दर्पण कहेंगे, हालांकि दृष्टि का भी आता है, क्रॉनिकल भी आता है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण ज्यादा बेटर है। तो एक मंथली हो गया, एक एसपीडी का वार्षिकी हो गया करंट अफेयर, और एक अखबार। इससे आपका करंट अफेयर इतना अच्छा हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और अभी समय है, अभी से लगिए, है ना। अब बात आती है कि जिस तरह से करंट अफेयर्स में वार्षिकी या ईयरली मैगजीन आप करते हैं, एक गाइड बुक आपके पास सदैव रहना चाहिए। डायरेक्ट पेज पे गए, फैक्चुअल आंसर सीधे मिल जाते हैं, कहीं टेक्स्ट बुक में डेप्थ में खोज रहे हैं कहां पर है, किस क्लास वाली, रहने दीजिए। एक आपको गाइड बुक लेना पड़ेगा, और इसमें से आप कोई भी जो पहले से है पढ़ रही हैं तो उसी से पढ़िए। इसमें तीन बुक्स हम बता रहे हैं, कोई भी पहले से है तो आप उसे पढ़िए। हम प्रेफर करते हैं क्राउन की, सामान्य ज्ञान जीके वाली, एक गाइड बुक। लूसेंट आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से आप पढ़िए, लूसेंट से ही पढ़िए, दोनों पैरेलल है। या घटना चक्र आपके पास है तो उससे आप पढ़िए। तो इन तीनों में से कोई आपके पास है, आप पहले से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन आप नए हैं, फ्रेशर हैं, तो हम बोलेंगे क्राउन ले लीजिए। अब आइए, एक जो दर्द टीस सारे स्टूडेंट्स को रहता है, और हर एग्जामिनेशन के बाद ये गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, और वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तो एनसीईआरटी अब आपको पढ़ना होगा रियली, और हम जब आपको लेकर चलेंगे आपको आसानी भी होगी। तो एनसीईआरटी अब पढ़ना शुरू कीजिए, हम इसलिए कह रहे हैं आपके पास समय है, और डेप्थ में जाकर समझकर, और जो अनिवार्य है जिसे पढ़ना ही है तो यह आपको पढ़ना चाहिए। पहले हम एनसीईआरटी नहीं बताते थे, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय जब हम कोर्सेज चलाते हैं तो समय कम होता है, अब वहां पर एनसीईआरटी हम नहीं बोल सकते हैं, तो हमने अवॉइड किया था अब तक। लेकिन अब आपके पास टाइम है, घर में बैठकर आराम से कुछ घंटे निश्चित कर लीजिए, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ेंगे, और सर्टेन कंफर्म बिल्कुल आपका एग्जामिनेशन निकलेगा, यह हम आपको आश्वस्त करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी स्टार्ट लेना चाहिए, कैसे, कब से, सिक्स से। आपको देखिए दरोगा का भी कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है, तो दरोगा में हम 9th, 10th, 11th, 12th एनसीईआरटी लेकर चलेंगे, लेकिन आपके लिए हम कह रहे हैं क्योंकि समय है, छठे से सिक्स से उठाइए। कौन कौन सा आप पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। पॉइंट टू बी नोटेड, इतिहास, भूगोल, विज्ञान की एनसीईआरटी छठा, सातवां, आठवां का लेकर रख लीजिए, फिर 9th, 10th, 11th बाद में लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइसेस बहुत हेवी हो जाएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं ले पाएंगे, तो छठा और सातवां का ले लीजिए, कम से कम स्टार्ट लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का, इनका एनसीईआरटी छठे से सिक्स से बारहवीं तक पढ़ना होगा। अब ये स्टार्ट ले लीजिए, छठा और सातवीं दोनों का मंगा लीजिए, इतिहास का, भूगोल का और विज्ञान का। दरोगा का जो कल से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, उसमें हम 9th से चला रहे हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, कारण है क्योंकि समय ज्यादा नहीं। लेकिन आपका, जब हम आपको बता रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, तो आपको अभी से स्टार्ट लेना है, बिल्कुल जड़ से, रूट से स्टार्ट लेना है। इसमें छठा से स्टार्ट लीजिए, बारहवीं तक एनसीईआरटी पढ़ जाइए। तो समझ गए, बुक्स का क्या हो गया, काफी हो गया, लेकिन यह आपका रिजल्ट कंफर्म कर देगा, बिल्कुल आपके पास समय भी है। तो भागिए मत, शॉर्टकट मत देखिए, शॉर्टकट देखिएगा तो एग्जामिनेशन टफ होगा, तो फंस जाइएगा। इसलिए समझकर, डेप्थ में, टेक्स्ट बुक के साथ, गाइड बुक के साथ, करंट अफेयर्स के साथ, अखबारों के साथ, प्रतियोगिता दर्पण के साथ, सबको लेकर चलिए। और इतना लेकर चलिएगा, देश का कोई भी एग्जामिनेशन होगा आपका मिस नहीं होगा, रुकेगा नहीं। तो ये सारा हो गया, एक बार फिर से रैप अप कर देते हैं आपको कि किताब कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले करंट अफेयर्स, एक अखबार आपको पढ़ना है, कल से स्टार्ट लीजिए, एक दो दिनों से स्टार्ट ले लीजिए। उसके बाद एक मंथली मैगजीन आपको पढ़ना है, हिंदी में प्रतियोगिता दर्पण, अंग्रेजी में दृष्टि हो गया, विजन हो गया, क्रॉनिकल हो गया, कोई एक ले लीजिए। और एक वार्षिकी, ईयरली लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, एसपीडी का ले सकते हैं, ये 100-125 रुपए पड़ता है, इस तरह से आपका काम चलेगा। अब आइए बात करते हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल का हमने लास्ट में लगा दिया पिक्चर, आप बिहार स्पेशल में ये वाली बुक ले सकते हैं। उसके बाद आइए हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारतीय इतिहास का, राजीव अहिर की आती है, वो वाली आपको लेना होगा, पुराना होगा तो पुराना भी चलेगा। मेडिवल इंडिया में सतीश चंद्र आपको लेना होगा, और प्राचीन भारत में आरएस शर्मा, रामचंद्र शर्मा की बुक आती है, ये आपको पढ़ना होगा। ज्योग्राफी में महेश कुमार बर्णवाल जी की बुक आती है, जो दो आती है, एक भारतीय भूगोल, एक में विश्व भूगोल भी होता है, तो दोनों वाला लीजिए, भारतीय और विश्व दोनों भूगोल आपको पढ़ना है। अब आइए पॉलिटी में। पॉलिटी में एक ही बुक है, शानदार है, अल्टीमेट है, एम लक्ष्मीकांत की,
ये बुक हो गई। उसके बाद इकोनॉमी में रमेश सिंह की बहुत अच्छी बुक आती है, लेकिन ये बुक नए छात्रों को थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसलिए हमने उसका अल्टरनेट दिया है कि आप प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल अतिरिक्त अंक, हिंदी में अतिरिक्त अंक कहलाता है, इंग्लिश में स्पेशल इशू। अर्थव्यवस्था का अतिरिक्त अंक प्रतियोगिता दर्पण का बोलिएगा, ये आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस 200 रुपए के आसपास पड़ेगा, 200-225 है ना। इकोनॉमी हो गया। उसके बाद साइंस में हमने कहा कि बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बात होगी, पहले भी हमने चलाया है तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। नहीं, अरिहंत पब्लिकेशन की एनसीईआरटी पर उसका सार आया है, इसका नाम है एनसीईआरटी नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो ये एनसीईआरटी नोट्स साइंस के लिए आप ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा छठी से लेकर बारहवीं तक। तैयारी का ये तरीका फूल प्रूफ है, और ये केवल बीपीएससी की हम बात नहीं कर रहे हैं, देश के किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठेंगे आपका रिजल्ट आएगा, कंफर्म रहिए। समय है वैकेंसी, अगर अगले साल आपको बैठना है तो उसकी वैकेंसी जनवरी फरवरी के आसपास आएगी 70वीं बीपीएससी की, और एग्जामिनेशन 3-4 महीने में हो जाएगा। हम मेंस के लिए भी आपको बताते चलेंगे, बट अभी स्टार्ट लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम फ्रेशर हैं, जस्ट स्टार्ट लीजिए और जुड़े रहिए, आपको हम बताते चलेंगे, डोंट वरी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छे बुक्स का कलेक्शन सुना, अगर ये सब लेकर चलते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। टेक केयर।